ऑलराइट, गुड इवनिंग सबको. और आज होपफुली लास्ट सेशन है जिसमें हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, और अगर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है तो हम और सेशन लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं. जैसे आप व्हाट्सएप पे हम आज तक प्रैक्टिस करते आ चुके हैं वैसे कर सकते हैं, या फिर और नए सेशन भी ले सकते हैं. लेकिन होपफुली जो आज का टॉपिक है, वो टॉपिक सीखने के बाद आपको पाइथन जो है उसका अब तक सारा बेसिक्स पता होना चाहिए, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए. और जो भी आपने आज तक सीखा है उसके बेसिस पे आप एसेंशियली काफी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिख सकते हैं. जो कुछ भी कॉन्सेप्ट आज तक हमने सीखे है, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक स्टेटमेंट्स, राइट, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इफ व्हाइल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा फंक्शंस क्या होते हैं, राइट. तो और आज हम देखेंगे बेसिकली मॉड्यूल्स और पैकेजेस क्या होते हैं. तो मॉड्यूल्स और पैकेजेस मेनली या तो हम खुद लिख सकते हैं या तो हम किसी और के यूज कर सकते हैं, और वो क्या होता है मैं बताऊंगा. और ये सब जब हम सीख जाएंगे ना, तो एटलीस्ट बेसिक पाइथन प्रोग्राम्स, पाइथन एप्स, पाइथन वेबसाइट, ये सब के लिए आप काइंड ऑफ प्रिपेयर हो जाएंगे. और फिर मैं बताऊंगा कि ये सब शुरू कैसे करना है, ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट सीखना शुरू कैसे करना है, ताकि आप इसके बाद जाके खुद से काइंड ऑफ थोड़ा एक्सप्लोर कर पाओ और थोड़ा काइंड ऑफ खुद से सीखो, खुद से प्रैक्टिस कर पाओ. वो सब इसके बाद आप होपफुली प्रिपेयर हो जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, सेशन 7. और लाइक आई सेड, आज थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे कि फंक्शंस के बारे में हमने जो देखा था लास्ट सेशन में, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस. ठीक है, तो लेट्स लुक एट एक्चुअली एक एग्जांपल जो मैंने लास्ट सेशन में भेजा था. एक था प्राइम नंबर जो आपने बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व किया है, राइट. ये फंक्शन एसेंशियली क्या कर रहा है, जैसे हमने देखा था फंक्शन के, यही प्रोग्राम में कॉपी पेस्ट करता हूँ. ठीक है, तो प्रोग्राम हमें क्या लिखना है, राइट अ फंक्शन टू फाइंड अ प्राइम नंबर, और टू फाइंड इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट, है ना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है, राइट. तो फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन के लिए def, def, राइट, और फिर फंक्शन नेम. अब फंक्शन का नाम थोड़ा सा अप्रोप्रिएट होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर है या नहीं वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. तो हमने फंक्शन का नेम दे दिया इस प्राइम. अब फंक्शन के हमने तीन एस्पेक्ट्स देखे थे लास्ट टाइम, राइट. सबसे पहले तो देखा था उसे डिफाइन कैसे करना है, राइट, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है. उसके बाद हमने देखा था कि फंक्शंस के पैरामीटर्स होते हैं, राइट. नाउ जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सोचना होगा कि इसके पैरामीटर्स हमें क्या देने होंगे. तो इस केस में इस प्राइम है, राइट. तो ये फंक्शन ऑलमोस्ट क्लियर है कि इसका इनपुट क्या होना चाहिए. इसका इनपुट होना चाहिए एक नंबर, राइट. तो हमने एक पैरामीटर लिस्ट में ले लिया उसका एक नंबर और कोलन दे दिया, राइट. सो ये हो गया हमारा फंक्शन डिफाइन. उसके बाद हमने देखा था एक होता है इसका रिटर्न वैल्यू. अब इस केस में हमें रिटर्न क्या करना है, अगर वो नंबर प्राइम है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, अगर नंबर प्राइम नहीं है तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स, करेक्ट. ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ये मैंने जो आपने प्रोग्राम भेजा था वही ले लिया. बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमें प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं, अगर कोई नंबर वन और खुद के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब वो प्राइम है,
ना? तो यहाँ पे काफी अच्छे से प्रोग्राम लिखा है हमने, ले लिया एक नंबर आई रेंज फ्रॉम 2 to n, लेट्स कॉल दिस n जस्ट टू बी कंसिस्टेंट. 2 से n तक हमने एक इटरेटर ले लिया, फॉर लूप ले लिया, और फिर हर बार वो नंबर से मैंने n को डिवाइड करने की कोशिश की, और परसेंट मुझे क्या देता है, रिमाइंडर देता है, राइट? अगर रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर हमने पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, मतलब डिविजिबल है. अगर डिविजिबल है तो इस केस में इन्होंने नॉन रिटर्न किया, बट वी कैन रिटर्न ट्रू. ताकि जनरली फंक्शंस का यूज क्या होता है, फंक्शंस का यूज होता है टू फॉर्म काइंड ऑफ अ लार्जर प्रोग्राम, जिसमें एक का इनपुट लेके हम दूसरे के आउटपुट में, दूसरे का आउटपुट लेके तीसरे के इनपुट में एसेंशियली चयन करते हैं इन सब फंक्शंस को, या फिर एक के बाद एक लिखते हैं. तो जब भी हम कुछ ऐसा फंक्शन लिख रहे हैं जो कुछ काइंड ऑफ फाइंड कर रहा है या फिर कुछ डिटेक्ट कर रहा है, जैसे इस केस में हम फाइंड कर रहे हैं कि वेदर ये प्राइम है या नहीं है, तो इट्स बेटर टू रिटर्न अ वैल्यू, ताकि किसी अगर दूसरे प्रोग्राम को इसे यूज करना है तो वो जस्ट रिटर्न वैल्यू लेके उसको आगे फिर कंटिन्यू कर सकता है, राइट? तो दैट्स व्हाई यूजिंग दिस रिटर्न वैल्यू और रिटर्निंग दिस वैल्यू इज इम्पोर्टेंट. तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया ट्रू, और जनरली प्रिंट करना इन अ फंक्शन इज नॉट एडवाइजेबल अनलेस फॉर लॉगिंग और डीबगिंग, विच इज यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोग्राम्स टू फाइंड एनी प्रॉब्लम्स इन दैट प्रोग्राम. बट जनरली इफ यू आर राइटिंग अ फंक्शन एंड रिटर्निंग अ वैल्यू, प्रिंटिंग इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज हो सकता है कि ये फंक्शन आप एक यूआई प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो उस केस में प्रिंट जो होगा वो कहाँ प्रिंट होगा, क्यों प्रिंट होगा, वो सब वी विल लीव इट टू द प्रोग्राम दैट इज कॉलिंग द फंक्शन, है ना? इसलिए जनरली लेट्स नॉट डू प्रिंट इन साइड द प्रोग्राम, ठीक है? तो हमने रिटर्न कर दिया ट्रू. अगर ये पूरा का पूरा फंक्शन, पूरा का पूरा फॉर लूप रन हो गया, मतलब किसी भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं है, तो क्या होगा, ये एल्स कॉल होगा, और एल्स में हम सेम थिंग करेंगे, एल्स, सॉरी, यहाँ रिटर्न फॉल्स और यार कंप्लीट. इसका मतलब वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, राइट? तो वो हो गया प्राइम, राइट? उसके बाद उसे कॉल करना है, राइट? सो हम उसे कॉल करेंगे इज प्राइम. एक यूजर से इनपुट ले लिया और उसे हमने कॉल कर दिया, राइट? अब उसके बाद हम यहाँ पे उसको किसी तरह यूज कर सकते हैं, राइट? अब एक बार हमें रिटर्न वैल्यू आ गई तो हम उसको यूज कर सकते हैं, इज प्राइम देन प्रिंट प्राइम नंबर, अदरवाइज प्रिंट नॉट प्राइम, है ना? तो लेट्स ट्राई दिस. Right? 10 आ गया नॉट प्राइम, 13 आ गया प्राइम नंबर, राइट? सो राइट, ये ध्यान में रखना जरूरी है कि फंक्शन इज नॉट जस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ऑर्गेनाइजेशन यस डेफिनेटली हमें हेल्प करता है, बट अनदर पर्पस ऑफ प्राइम नंबर इज टू शेयर योर कोड, है ना? तो जब भी हम कोड शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, तो फंक्शन शुड बी रिटर्न इन सच अ वे दैट दे कैन यूज द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एंड देन कंटिन्यू देयर प्रोग्राम, है ना? तो इसीलिए रिटर्निंग एन अप्रोप्रिएट वैल्यू बेस्ड ऑन वॉट द प्रोग्राम इज मेंट टू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस केस में इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग नन और रिटर्निंग जस्ट अ नंबर, रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स
बिकम्स मोर लॉजिकल, राइट? इज प्राइम ट्रू, इज प्राइम फॉल्स, राइट? तो और उसके बाद फिर हम उसे जैसे भी यूज करना है हम उसे यूज कर सकते हैं, राइट? तो कीप दैट इन माइंड. एंड दिस फंक्शन एक्चुअली शोज यू ऑल थ्री एस्पेक्ट्स वेरी नाइसली, राइट? फर्स्ट वन इज हाउ टू डिफाइन इट, सेकेंड इज द पैरामीटर लिस्ट, राइट? इन दिस केस वी आर पासिंग जस्ट वन नंबर. एंड देन आफ्टर डूइंग सम वर्क लाइक सम लॉजिक, यू कैन देन रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम दैट फंक्शन, राइट? तो दिस फंक्शन काइंड ऑफ गिव्स यू एन आइडिया ऑफ ऑल थ्री ऑफ दिस. जॉर्ज ने रॉक पेपर सीजर काफी अच्छे से किया था, राइट? लाइक ही आप अगर ये प्रोग्राम देखोगे तो इसमें भी जॉर्ज ने दो फंक्शंस डिफाइन किए, एक यूजर ऑप्शन, एक मिंटो ऑप्शन, राइट? और फिर वो दो फंक्शंस को कॉल किया, उसके रिटर्न वैल्यू ली यूजर चॉइस और कॉम्प चॉइस में, और फिर उसको यूज किया, राइट? यूजर चॉइस और कॉम्प चॉइस को फिर यूज किया. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू राइट अ फंक्शन, हाउ टू रिटर्न अ वैल्यू एंड देन हाउ टू यूज दैट वैल्यू इन योर प्रोग्राम आफ्टर दैट, है ना? सो कीप दैट इन माइंड टू. एक और मैंने एक्चुअली प्रोग्राम आपको भेजा था ड्यूरिंग द वीक ऑन व्हाट्सएप टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. लेट्स ट्राई टू डू दैट बिकॉज उसमें एक और आपको कंसेप्ट नया तो नहीं है बट इट विल बी गुड टू काइंड ऑफ गेट एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. तो लेट्स राइट दैट प्रोग्राम. बिफोर आई गो देयर, एनी एनी क्वेश्चंस, एनी कॉमेंट्स हियर? आपको कुछ समझ में आया नहीं आया? आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं. तो मैं प्रशांत, अगर बाद में थोड़ा सा टाइम हो ना तो इसको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेके इसमें परफॉर्मेंस डालना सिखा सकता हूँ, अगर बाद में टाइम हो तो. नथिंग अर्जेंट. ये जो प्राइम नंबर वाला है ना, इसको इसको अगर अपन, यू डोंट नीड टू चेक ऑल द वे फ्रॉम 2 to n. बेसिकली जैसे अपन स्क्वायर रूट तक ही चेक कर ले तो भी काफी होता है. तो वो मैं थोड़ा सा, मैं परफॉर्मेंस वाला हूं ना, तो मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूँ कि कैसे परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं चीजों का. राइट, थैंक्स भाई. हाँ, दैट विल बी वेरी नाइस. ठीक है, फिर अगर कोई इश्यू नहीं है तो लेट्स डू दैट इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम. और उसमें एक और थोड़ा सा आपको कंसेप्ट आएगा कि दिस फंक्शंस एक्चुअली आप यू कैन कॉल फ्रॉम अनदर फंक्शंस आल्सो, राइट? एक्चुअली तो दैट मेक्स इट वेरी वेरी इवन बेटर टू ऑर्गेनाइज द कोड, ठीक है ना? तो देखते हैं उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. सो लेट्स, सो द प्रोग्राम हमें लिखना है फाइंड सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? तो हमें क्या करना है, एक यूजर से इनपुट लेना है और तीन इनपुट लेना है बेसिकली, प्रिंसिपल, एनीवेज लेट मी स्टार्ट विद दिस. एक्चुअली इंटरेस्ट और इसका आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो गई ना कि जैसे आप बैंक में कुछ मनी डिपॉजिट करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है? आपने सपोज 100 रुपये बैंक पे डिपॉजिट किया, वो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट. और बैंक आपको क्या है ना, इंटरेस्ट देता है उस अमाउंट पे. अगर आप सेविंग्स अकाउंट में डालते हो या फिर फिक्स डिपॉजिट में डालते हो तो आपको क्या करेगा, बैंक एक इंटरेस्ट देगा उस अमाउंट पे. तो सपोज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको 1 साल के बाद डिपेंडिंग ऑन दैट इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड एनुअल इंटरेस्ट रेट, आपको 1 साल के बाद वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एक्स्ट्रा मनी मिलेगा. जैसे अगर आपने 100 रुपये डिपॉजिट किए और आपका इंटरेस्ट रेट है 5%, तो आपको 5 रुपये उस
₹100 पे एक्स्ट्रा मिलेंगे एक साल के बाद, है ना। तो ये तीन काइंड ऑफ नंबर्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है प्रिंसिपल अमाउंट जो है आप मनी डिपॉजिट करोगे, उसके बाद है एनुअल इंटरेस्ट रेट, हर साल आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और फाइनली एक है कितने साल के लिए आप उसे डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप एक साल के लिए करते हो तो आपको 5% ₹100 पे मिलेंगे, ₹5। अगर आप 2 साल के लिए करते हो, 3 साल के लिए करते हो, 4 साल के लिए करते हो, तो आपको क्या एक्स्ट्रा और भी पैसे मिलते जाएंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो क्या है कि आपको इंटरेस्ट जो है 5 साल के बाद जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था उसी के ऊपर मिलेगा। तो अगर ₹100 आपका है तो 5% हो गया ₹5, और 5 साल के लिए हो गया पांच साल के लिए ₹5, ₹5, तो वो हो गया ₹25, है ना। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, जिसे कैलकुलेट करते हैं पी मतलब अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में, राइट, 5 डिवाइडेड बाय 100, और फिर कितने साल के लिए है, वो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको 1 साल के बाद ₹100 के हो गए आपके ₹105, तो आपको पूरे ₹105 पे फिर सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड ईयर के लिए फिर उसमें भी वो ऐड होके थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो वो आपका ऐसे कंपाउंड होता जाता है, और उसका फॉर्मूला है बेसिकली प्रिंसिपल टाइम्स 1 प्लस रेट रेज टू पावर पी, क्योंकि हर बार वो कंपाउंड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। तो आपको ये सब अगर पता है तो गुड, नहीं पता तो डोंट वरी सो मच, हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे। आपको ये लिंक तो मैंने भेजा है, तो आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। बट इसमें हमारा कंसेप्ट क्या सीखना है, मेनली फंक्शंस के बारे में। तो आई विल अज्यूम कि आपको ये थोड़ा थोड़ा आपको पता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने ले लिया प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया कि बैंक का इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट, और फाइनली नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। अब ये प्रोग्राम में हमें क्या करना है, बहुत सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस लिखेंगे ऑब्वियसली। लेट लेट स्टार्ट विथ सिंपल इंटरेस्ट, डिफाइन सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में अगेन हमें ऑब्वियसली तीन इनपुट लेना है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और ईयर्स, ठीक है। अब और उसमें फिर हमें एक वैल्यू रिटर्न करनी है कि वो इंटरेस्ट का एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो हमने देखा था ऑलरेडी, है ना। तो ले लिया प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय आर इज इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट परसेंट में होता है, जब हम 5% बोलते हैं तो उसको एक्चुअली हमें लिखना होता है 5 डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो इसलिए मैंने ले लिया प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू ईयर्स, ठीक है। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेट्स डिफाइन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमें सेम इनपुट लेना होगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और ये सेम पैरामीटर, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, राइट। इसका प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अगेन इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट परसेंट में, इसलिए इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर पी, है ना। रेज टू पावर पाइथन में कैसे लिखते हैं, दो स्टार ईयर्स और माइनस प्रिंसिपल अगेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बट इन एडिशन हमें एक्चुअली यूजर से इनपुट क्या लेना है कि प्रिंसिपल उसे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए या कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, सिंपल और जस्ट ले लो। हाँ
ठीक है, अब बेस्ड ऑन वेदर इट इज सिंपल और कंपाउंड, मुझे क्या करना है, अप्रोप्रिएट फंक्शन कॉल करना है। लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ ताकि ऑर्गेनाइजेशन और भी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, लेट्स डिफाइन अनादर फंक्शन जो लेता है, जो विच विल कॉल जस्ट इंटरेस्ट, जो लेगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट और ईयर्स, पर साथ साथ में वो क्या लेगा, वो लेगा लेट्स कॉल इट दैट। जो लेगा इनपुट इंटरेस्ट टाइप, ठीक है, और फिर वो चेक करेगा इफ इंटरेस्ट टाइप इक्वल टू एक्चुअली जॉर्ज ने बहुत अच्छे से किया था ये इन रॉक पेपर सीजर, तो मैं सिमिलर फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। जॉर्ज ने क्या किया था, अगर यूजर कैन एंटर सिंपल इन मेनी वेज, राइट, सिंपल सिंपल और अलग अलग तरीके हैं, जनरली दिस इज देर आर बेटर वेज बट दिस इज नॉट बैड फॉर एस। लेट्स से अगर यूजर सिंपल या एस या कुछ एंटर करता है तो हमें क्या सॉल्व करना है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो मैंने सारे के सारे पैरामीटर्स उसको फिर पास कर दिए, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और ईयर्स। और मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को, ये फंक्शन कॉल करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको एक्चुअली इस फंक्शन से रिटर्न करना है, तो मैंने कर दिया रिटर्न सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन है इंटरेस्ट जिसमें मैं दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, और जो वैल्यू ये सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन रिटर्न करेगा मैं वो रिटर्न कर रहा हूँ मेरे इंटरेस्ट फंक्शन में से, राइट, है ना। तो ये क्या हो गया, बेसिकली फंक्शंस को हम चेन कर रहे हैं, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है एंड सो ऑन। ऐसे आप कितने भी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हो। एल्स लेट्स फॉर सिंप्लिसिटी, एक्चुअली आपने चेक करना चाहिए बट फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसे जस्ट एल्स में डाल देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो आप जब इस फंक्शन को देखोगे, राइट, क्लियर है आपको कि कितना सिंपल है, इसमें आप कहीं कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं, आप इनपुट ले रहे हो प्रिंसिपल इंटरेस्ट ईयर और आप रिटर्न कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन क्या इनपुट है द एक्चुअल इंटरेस्ट वैल्यू, है ना। और फिर इसे आप फाइनली कॉल करोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट ईयर्स। ऑब्वियसली इसको स्ट्रिंग से कन्वर्ट करना जरूरी है, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, क्योंकि हो सकता है वो 5.5% है या फिर अमाउंट जो हमने डिपॉजिट की है वो 100 रुपये 50 पैसे है, ऐसा कुछ है, राइट। तो हमें फ्लोट यूज करना है इंस्टेड ऑफ इंटीजर, और ईयर्स भी हो सकता है 5 ईयर 5.5 ईयर, राइट। और फाइनली इंटरेस्ट टाइप, राइट। में तो मेन कंसेप्ट इसमें क्या है, कंसेप्ट तो नया नहीं है लेकिन समझना जरूरी है, राइट, कि ऐसा नहीं कि आपने फंक्शंस लिख लिए तो उसको आपको मेन बॉडी से ही कॉल करना जरूरी है, राइट। जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे हो ना तो ये हर जगह दिखेगा आपको, एक फंक्शन है उस फंक्शन में आप 3 दूसरे फंक्शन कॉल कर रहे हो, उस फंक्शन में जाके कोई और फंक्शन कॉल कर रहे हो, क्योंकि ये सब जनरली कंसेप्ट क्या होता है कि एक फंक्शन में आप एक काम कर रहे हो बस, राइट, ट्राई टू डू दैट, एक फंक्शन में एग्जैक्टली एक चीज आप कर रहे हो। जैसे अब आप ये फंक्शन देखोगे, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कर रहा हूँ, इस फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा हूँ, इस फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ मैं डिसाइड कर रहा हूँ, है ना, और कुछ कर रहा हूँ क्या, सिर्फ डिसाइड कर रहा हूँ। इसको इसको इस फंक्शन को सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये समझना जरूरी नहीं है, या उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं ये समझना जरूरी नहीं है, ये फंक्शन को सिर्फ ये समझना जरूरी है कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट कॉल करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट कॉल करना है ना। तो
तो ये एक प्रिंसिपल होता है जनरली जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे हो कि एक फंक्शन में ट्राई टू डू जस्ट वन थिंग, वन लॉजिकल थिंग। उसका मतलब ये नहीं कि आपको एक लाइन में ही खत्म करना है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है उसमें काफी सारा लॉजिक हो, बट लॉजिकली एक चीज होनी चाहिए। अगर आप काफी सारी चीजें उस फंक्शन में करते हो तो कंफ्यूजन हो जाएगा, उस फंक्शन का एक्चुअली नाम क्या रखना है वो भी मुश्किल हो जाएगा, राइट। अभी इस केस में मुझे पता है एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने उस फंक्शन का नाम भी दे दिया। तो ये सब क्या होता है, फाइनली हेल्प करता है मैं ऑर्गेनाइजेशन में और समझने में, कोड समझने में, अगर हम किसी और को दे रहे हैं या फिर खुद का ही कोड हम एक महीने बाद एक साल बाद देख रहे हैं, तो वो समझने में फिर मुश्किल जाना नहीं चाहिए। इसीलिए फिर वो सारे प्रिंसिपल्स ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, इसे रन, ठीक है रन बाद में करेंगे, रन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपकी कंसेप्ट ध्यान में आने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए फंक्शंस, राइट। हमने देखा फंक्शंस को डिफाइन कैसे किया, पैरामीटर्स लिए, उसे कॉल किया, रिटर्न वैल्यू रिटर्न की, वैल्यू रिटर्न जो कि उसको यूज किया, एंड सो ऑन। तो दिस इज, फंक्शंस आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स इन लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग पाइथन। बिफोर आई गो टू मॉड्यूल्स और पैकेजेस, इन एक्चुअली लेटर वर्जन ऑफ पाइथन, अभी जब पाइथन जब शुरू हुआ था, जब नया नया था, तो फंक्शंस, मॉड्यूल्स और पैकेजेस वेर द ओनली थिंग्स जो आपको ये कोर ऑर्गेनाइजेशन और बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में मदद करते थे। लेकिन अभी पाइथन में भी देर आर कंसेप्ट कॉल्ड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आप अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज जावा अगर आप पहले कर चुके हो, तो इन जावा ये कंसेप्ट आपको बहुत फेमिलियर लगेगा, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। बट दैट इज एक्चुअली अनादर कोर्स इन इटसेल्फ। और आप मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स विदाउट क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हो। इसलिए मैं फर्स्ट सेशन या अपने ये फर्स्ट कोर्स में क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को बाजू में रखता हूँ। लेकिन आप अगर कोई वेबसाइट्स पे पाइथन सीख रहे हो एडिशनली, या फिर कोई सैम्पल प्रोग्राम्स देख रहे हो, तो हो सकता है आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स भी दिखेंगे इन एडिशन टू फंक्शन। तो कंफ्यूज मत होना, इतना ध्यान में रखो कि देर आर सम कंसेप्ट कॉल्ड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो पाइथन में भी है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो इसको हम, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं स्पेशल इसका एक अलग से सेशन लेके इसको कवर करूंगा, बट फॉर नाउ इतना ही ध्यान में रखो कि ये कुछ होता है। और आपको अगर वेबसाइट पे वगैरह कहीं दिखता है तो कंफ्यूजन ना होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बट जितना भी आप खुद से प्रोग्राम लिखना चाहते हो, सब कुछ आप फंक्शंस, मॉड्यूल्स और पैकेजेस के भरोसे लिख सकते हो। आपको इसके अलावा क्लासेस ऑब्जेक्ट्स लिखने की जरूरत जनरली नहीं पड़ेगी, बट इट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और जब लार्ज, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं ना, तो इट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल टू यूज दिस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट फॉर नाउ। ठीक है, तो विद दैट बीइंग सेड, अब लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूल्स और पैकेजेस। ठीक है, अब ये मॉड्यूल्स क्या होता है? मॉड्यूल्स और पैकेजेस एक्चुअली बोथ बोथ आर ऑल्सो यूज फॉर द सेम रीजन एज फंक्शन, विच इज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कोड। ठीक है, बट ऑल्सो शेयरिंग ऑफ कोड विद अदर्स। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो एक आप फाइल लिखोगे जिसमें आप खूब सारे फंक्शंस डिफाइन कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, वो पूरा का पूरा फाइल किसी के साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड दैट फाइल इज काइंड ऑफ अ मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब इट्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ दीज फंक्शंस एंड मे बी ऑल्सो क्लासेस। ठीक है, तो आपको, अब कोई मॉड्यूल्स देखोगे तो आपको उसमें क्लासेस भी दिखेंगे, लेकिन इट्स ओके। आप फंक्शंस और क्लासेस का जो कलेक्शन है उसे हम कहेंगे मॉड्यूल। और फिर पैकेज क्या है?
Package in Python is nothing but a folder containing many related modules. अगर एक folder है जिसमें आप काफी सारे modules store कर रहे हो, तो that is a package. ठीक है, very very simple. आपको इसके अलावा मतलब और कुछ समझने की जरूरत नहीं है. Module is a list of, or sorry, module is a collection of functions in a same file. और फिर package is a collection of modules, right? Or basically a collection of files. ठीक है, so very simple. तो इसका जब तक हम example नहीं देखेंगे तब तक इसका purpose समझ में नहीं आएगा. तो let's start with some example. ठीक है, let's start with, I will just show you के example वो क्या है और फिर हम उसको धीरे धीरे develop करेंगे. Let's go to this. मैंने क्या किया है, एक ये सैंपल प्रोग्राम लिखा है विच इज कैलकुलेटर. अभी तक जो हमने प्रोग्राम देखे है ना, उसमें जब भी हमने इनपुट लिया है वो हमने इनपुट लिया है यूजर से टाइप करके, राइट, यूजिंग द फंक्शन, इनपुट फंक्शन यूज करके, यूजिंग दिस. लेकिन आप जब फोन यूज कर रहे हो या फिर कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आप जनरली कमांड लाइन में ऐसे टाइप करके इनपुट नहीं देते हो. जनरली आप यूआई यूज करते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हो, राइट, समथिंग लाइक दिस. कैलकुलेटर जब हम कर रहे हैं तो कैलकुलेटर्स में क्या है, कुछ बटन्स है, जब आप प्रेस करोगे तो नंबर एंटर होगा, ऑपरेटर 5 इक्वल्स, राइट. तो मैंने ये एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है. ऑब्वियसली इसे लिखना इतना आसान नहीं है, बट आई विल गो स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए. ठीक है, नाउ सबसे पहले मैंने क्या किया, आप ये लेफ्ट साइड में देखोगे एक कैलकुलेटर फोल्डर बनाया. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दैट. इसका मतलब क्या, मैं एक पैकेज क्रिएट कर रहा हूं. ठीक है, फोल्डर क्रिएट किया मतलब मैं क्या उसमें पैकेज क्रिएट कर रहा हूं. अब बिकॉज दिस इज एन एप्लीकेशन, देर इज जनरली एक फाइल जहां जो विच इज एन एंट्री पॉइंट फॉर दिस फंक्शन. तो मैंने एक एंट्री पॉइंट ले लिया, मेन डॉट पाइथन. अब इसमें क्या होगा, दिस इज जनरली आप जहां प्रोग्राम रन करना शुरू करोगे. ठीक है, लेट मी जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर. ठीक है, तो आप इसमें सबसे ऊपर आपको कुछ ये लाइंस दिख रही होगी, इम्पोर्ट यू आई डॉट कैलकुलेटर यू आई एज यू आई. अब ये सब क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, इसे समझते हैं थोड़ा सा. दिस इज बेसिकली इम्पोर्टिंग अ मॉड्यूल जिसका नाम है कैलकुलेटर यू आई फ्रॉम अ पैकेज कॉल यू आई. ठीक है, तो किसी और पैकेज और मॉड्यूल में मैंने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए हैं, उस फंक्शंस को मुझे इस फाइल में यूज करना है. उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है. तो मैंने किया इंपोर्ट यू आई डॉट कैलकुलेटर यू आई एज यू आई. ठीक है, नाउ आपने ये एक्चुअली ऑलरेडी देखा होगा जब हमने रैंडम यूज किया था. हमने क्या किया था, इंपोर्ट रैंडम. है ना, हमने किया था इंपोर्ट रैंडम. दैट वाज एक्चुअली जस्ट अ मॉड्यूल जो कि देयर इज अ बिल्ट इन मॉड्यूल इनसाइड पाइथन कॉल्ड रैंडम. तो मैंने जब किया इंपोर्ट रैंडम तो मैंने क्या किया, वो मॉड्यूल को इस फाइल में इंपोर्ट किया. अब उसे मुझे अगर यूज करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ रैंडम डॉट व्हाट एवर द फंक्शन नेम इज, आई थिंक इट्स कॉल्ड रैंडम. ठीक है, तो
ये क्या कर रहा है, इस मॉड्यूल में से, रैंडम मॉड्यूल में से एक फंक्शन कॉल कर रहा है जिसका नाम है रैंडम, ठीक है। अब देर आर डिफरेंट एक्चुअली वेज इन विच यू कैन इम्पोर्ट दिस, वो थोड़ा सा समझना जरूरी है। एक तो हो गया आप लिख दिया इम्पोर्ट और मॉड्यूल का नेम, मॉड्यूल के नेम के साथ साथ देर कैन बी अ पैकेज नेम, बट बिकॉज दिस इज अ बिल्ट इन मॉड्यूल यू डोंट हैव टू गिव अ पैकेज नेम, आप सिर्फ मॉड्यूल का नाम दे सकते हो, ठीक है। सेकेंड इज, अगर आप खूब सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर रहे हो तो आप, इस केस में आपने देखा होगा कि रैंडम मॉड्यूल है और मुझे उसे यूज करना है, तो मैंने किया रैंडम मॉड्यूल का नाम डॉट रैंडम फंक्शन का नाम। बट अगर मुझे इस मॉड्यूल को बार 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 यूज करना है तो ये हर बार रैंडम पूरा का पूरा मॉड्यूल नेम मुझे टाइप करना होगा, है ना। तो वो अवॉइड करने के लिए एक्चुअली देर इज अ वे टू से कि ये मॉड्यूल को इंपोर्ट करो रैंडम, बस उसका नाम दे दो आप कुछ शॉर्ट नेम लाइक आरडी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द होल नेम, मैं वो मॉड्यूल का एलियस, इसे कहते हैं एलियस, वो एलियस यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल एज एलियस आरडी, तो मैंने फिर उसको यूज कर लिया आरडी डॉट रैंड, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड वे इन विच यू कैन इम्पोर्ट अ मॉड्यूल, फर्स्ट तो इम्पोर्ट रैंडम, सेकेंड हो गया इम्पोर्ट रैंडम एज आरडी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा मॉड्यूल उसने इम्पोर्ट कर लिया, पूरा का पूरा मॉड्यूल। बट हो सकता है ये मॉड्यूल बहुत बड़ा है, मॉड्यूल में 100 फंक्शन है, 1000 फंक्शन है, तो क्या होता है ना, अगर आप पूरा का पूरा मॉड्यूल इम्पोर्ट करते हो तो पाइथन जब रन कर रहा है तो पाइथन को वो पूरा का पूरा मॉड्यूल को पार्स करना जरूरी है, उसको कंपाइल करना जरूरी है। तो जैसे प्रशांत भाई ने कहा था, परफॉर्मेंस देखना एक जरूरी हो जाता है जब आप बड़े प्रोग्राम लिख रहे हो। तो जब पाइथन ये पूरा का पूरा मॉड्यूल पार्स कर रहा है, उसको कंपाइल कर रहा है, तो परफॉर्मेंस आपका स्लो हो जाता है क्योंकि उसको ये सारा का सारा कंपाइल करना पड़ता है। तो अगर आपको सारा का सारा नहीं करना है, सिर्फ एक ही उसका फंक्शन यूज करना है उस मॉड्यूल में का, तो देर इज अनादर वे जिसे हम लिख सकते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल का नेम इंपोर्ट फंक्शन का नेम, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम मॉड्यूल का नेम इंपोर्ट फंक्शन का नेम। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये एक फंक्शन इंपोर्ट करेगा, ठीक है। और उसको एक्चुअली ये जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम के नेम स्पेस, ये एक वर्ड समझना जरूरी है, उस फंक्शन के नेम स्पेस में उसको इंपोर्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, वेल याद है जब हमने फंक्शन डिफाइन किया था, फंक्शन एफ रिटर्न टेन कुछ भी, जब हम इस फंक्शन को कॉल करते थे तो सिर्फ हम एफ कॉल किया, ऐसे ही कॉल करते थे, राइट। हम टेस्ट डॉट एफ करते थे क्या, जैसे अभी ये फंक्शन फाइल का नाम मैंने दे दिया टेस्ट, और हमें पता है मॉड्यूल का नाम क्या होता है, मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, तो एक्चुअली ये फाइल इज ऑल्सो अ मॉड्यूल, राइट, विथ नेम टेस्ट। लेकिन जब मैं इस एफ को कॉल कर रहा हूँ, तब जैसे इस मॉड्यूल का मैंने रैंडम डॉट रैंडम किया था, वैसे टेस्ट डॉट एफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह फंक्शन इज डिफाइंड इन द सेम मॉड्यूल या इन द सेम नेम स्पेस, इसलिए मैं उसे डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। वैसे ही जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम, मतलब फ्रॉम मॉड्यूल रैंडम इंपोर्ट फंक्शन रैंडम, तब मुझे आरडी या वो रैंडम मॉड्यूल का नाम देना जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्टली रैंडम 1,20 ऐसे उसे कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं ये रैंडम फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम कर रहा हूँ, तो ये जो फंक्शन है वो सेम नेम स्पेस या सेम मॉड्यूल में एज इज वो इंपोर्ट हो जाएगा,
तो मैं इसे डायरेक्टली रैंडम 1,20 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। नाउ जब आप अगेन एग्जांपल्स देखोगे वेबसाइट के ऊपर या फिर किसी और का सैंपल प्रोग्राम, तो आपको ये तीनों टाइप के इनपुट इंपोर्ट स्टेटमेंट्स मिलेंगे, राइट। फर्स्ट वन इज इंपोर्ट द मॉड्यूल एज इज, सेकेंड इज इंपोर्ट मॉड्यूल विथ सम एलियस, और थर्ड इज फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट सम फंक्शन, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए कि तीनों मेथड्स आर वैलिड टू इंपोर्ट, और जनरली आई प्रिफर के आप इधर सेकेंड या थर्ड यूज करो, ताकि आप काइंड ऑफ अगेन ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प होता है। आप अपना खुद का एलियस दे रहे हो, आप ओनली दोज फंक्शंस इंपोर्ट कर रहे हो जो आपको जरूरी है एंड सो ऑन, तो इट मेक्स इट काइंड ऑफ इजियर टू यूज, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट, हो गया मॉड्यूल्स का। तो आप गोइंग बैक टू माई मेन प्रोग्राम, आपको ये दो लाइन अब तुरंत समझ में आ जाएगी, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ यू आई डॉट कैलकुलेटर यू आई, मतलब एक मॉड्यूल है जिसका नाम है कैलकुलेटर यू आई, उसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और उसे मैं एलियस दे रहा हूँ यू आई, राइट, क्योंकि मैंने डिफाइन किया उसे एज यू आई। तो अब मैं जब भी उसे यूज करना चाहता हूँ तो मैं बस करूंगा यू आई डॉट इनिशियलाइज, राइट। इसका मतलब क्या है, जो मॉड्यूल है यू आई उसके अंदर एक फंक्शन है इनिशियलाइज, उसे मुझे कॉल करना है और उसे ये उसे कुछ पैरामीटर पास करना है, ठीक है एक्चुअली। और सेम वे मैंने दूसरा फंक्शन दूसरा मॉड्यूल इंपोर्ट किया है जो है कैलकुलेटर लॉजिक, और उसको मैंने एलियस दे दिया लॉजिक, और फाइनली उसे मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे आंसर इक्वल्स लॉजिक डॉट कैलकुलेट, है ना। तो मैंने क्या किया, लॉजिक मॉड्यूल में से उस फंक्शन कैलकुलेट को एक्सक्यूज में कॉल किया, ठीक है। अब जब मैं ये मेन प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मुझे ये समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है, कि ये कैलकुलेटर जो है कैलकुलेटर यू आई मॉड्यूल है उसमें फंक्शंस क्या क्या है, कैलकुलेटर लॉजिक मॉड्यूल जो है उसमें फंक्शंस क्या क्या है, ताकि मैं उसे कॉल कर सकूं, है ना। तो उसके लिए जब आप लिख रहे हो खुद से तो आपको तो पता होगा, लेकिन अगर आप किसी और के यूज कर रहे हो फंक्शंस या मॉड्यूल्स, तो आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन देखना जरूरी हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन इज काइंड ऑफ अ हेल्प फॉर यूजिंग द मॉड्यूल, क्योंकि पाइथन में जब अब तक आज तक हम सीखे हैं, राइट, पहले सेशंस में, दोज आर ऑल काइंड ऑफ द लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स, के लैंग्वेज में इफ कैसे लिखते हैं, फॉर कैसे लिखते हैं, और दोज आर वेरी स्मॉल, राइट। हमने क्या 5 सेशंस लिए और सारा का सारा पाइथन, ऑलमोस्ट सारा का सारा पाइथन कवर कर लिया। लेकिन जब आपको एक्चुअली बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने हैं ना, तो आपको जो मॉड्यूल्स और पैकेजेस किसी और ने लिखे हैं उसे यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। तो उनके मॉड्यूल्स में उन्होंने क्या फंक्शंस बनाए हैं, क्या सब मॉड्यूल्स है और वो पैकेज क्या है, वो सब आपको पता कैसे चलेगा, है ना। तो उसके लिए जो भी ये मॉड्यूल्स लिखते हैं ना, वो लोग अपना एक उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी लिखते हैं, तो वो भी हम देखेंगे आज क्या होता है। बट पहले, उसके पहले, अब हमने जो ये इंपोर्ट किया यू आई डॉट कैलकुलेटर यू आई, अब मैंने बताया था यू आई इज अ पैकेज और कैलकुलेटर यू आई इज द मॉड्यूल, तो उसे हम डिफाइन कैसे करते हैं। एक्चुअली मुझे गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा मैंने फोल्डर दूसरी तरीके से ओपन किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो
हमने मेन तो देख लिया था ऑलरेडी, है ना। अब आप इसमें देखोगे कि मैंने एक्चुअली दो फोल्डर्स क्रिएट किया है, एक है लॉजिक और एक है यूआई, है ना। और हमें पता है व्हाट इज अ पैकेज, पैकेज इज अ फोल्डर कंटेनिंग मॉड्यूल्स। तो ये जो लॉजिक और यूआई है, ये दोनों क्या हो गए, हमारे पैकेजेस हो गए। पैकेज एक्चुअली ठीक है, तो इस पैकेज के अंदर मैंने मॉड्यूल्स डिफाइन किए हैं, ये प्राइम गलती से यहाँ पर सेव हो गया। इस पैकेज के अंदर मैंने मॉड्यूल्स डिफाइन किया, एक है कैलकुलेटर लॉजिक और एक है कैलकुलेटर यूआई, ठीक है। तो लेट्स लुक एट लॉजिक। अब कैलकुलेटर लॉजिक जो मॉड्यूल है, उसमें मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है कैलकुलेट, जो इनपुट लेता है एक नंबर, दूसरा नंबर और एक ऑपरेटर। और हमने रिमेम्बर पहले सेशन में कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखा था, जब हम इफ सीखे थे, दिस इज सेम एज दैट, है ना। मैंने इनपुट ले लिया फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, और फिर बेस्ड ऑन द ऑपरेटर, अगर प्लस है तो ऐड किया, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट किया, स्टार है तो मल्टीप्लाई किया, राइट। तो बाय इटसेल्फ दिस इज वेरी वेरी सिंपल, है ना। एक मॉड्यूल है, जो मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है सिंपल जो कैलकुलेट कर रहा है, राइट। मुझे कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन डिफाइन किया जो मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और वो मैं मेरे मेन फंक्शन में से कॉल कर रहा हूं, है ना। वैसे ही मैंने एक पैकेज डिफाइन किया है जिसका नाम है कैलकुलेटर यूआई। अब कैलकुलेटर यूआई इज लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअली जो आपने यूआई देखा था, ये जो यूआई देखा था, ये पूरा का पूरा यूआई मुझे बनाना है ना। अब ये यूआई बनाना है तो आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा, ये कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ प्रिंट और इनपुट, ये दो ही फंक्शन देखे थे, राइट, इनपुट आउटपुट लेने के लिए। ये पूरा का पूरा यूआई कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए ना एक्चुअली जो मॉड्यूल्स मैं यूज कर रहा हूं, आप देखोगे फ्रॉम टी के इंटर इंपोर्ट स्टार, इसका मतलब सारे के सारे जो फंक्शन है टी के इंटर इस मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर लो। और फिर एक और पैकेज, एक और मॉड्यूल मैं यूज कर रहा हूँ फ्रॉम फंक टूल्स। अब ये हमने तो डिफाइन नहीं किया, तो ये मॉड्यूल्स और ये सब कहाँ से आ रहे हैं। एक्चुअली जैसे हमने रैंडम देखा था ना, रैंडम इज अ मॉड्यूल दैट इज बिल्ट इन टू पाइथन, राइट। इसका मतलब क्या है, पाइथन हैज डिफाइंड सम पैकेज दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। पाइथन के अंदर एक पैकेज है जिसका नाम है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी के अंदर खूब सारे मॉड्यूल्स हैं, और उसमें से एक मॉड्यूल है विच इज कॉल्ड टी के इंटर, ठीक है। ये टी के इंटर मॉड्यूल जो है, इसके अंदर फंक्शंस है जो फंक्शंस मुझे यूआई बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो लेट्स लुक एट दैट। अब मैंने कहा था, अब ये जो टी के इंटर मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल तो मैंने डिफाइन नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या फंक्शंस है, क्या मॉड्यूल से उसको यूज कैसे करना, ये सब मुझे नहीं पता। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, टी के इंटर का डॉक्यूमेंटेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए गूगल जिंदाबाद, ऑलवेज आप गूगल पे जाके, या तो टिंकर ट्यूटोरियल, या तो टिंकर डॉक्यूमेंटेशन, टिंकर पाइथन, इस तरह से आप कुछ सर्च करोगे ना, तो आपको आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। पाइथन GUI, GUI stands for Graphical User Interface, right? आपको पता ही होगा, Programming with TK Inter, right? Some people call it TK Inter. अगर आप YouTube वीडियो देख रहे हो तो कुछ लोग बोलेंगे TK Inter, कुछ कोई कोई लोग बोलेंगे TK Inter, doesn't matter. तो आप it's the same thing. तो मैंने ये लिंक ओपन करके रखी है ऑलरेडी। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, किस कुछ केसेस में आपको मिलेगा ट्यूटोरियल, जो आपको स्टेप बाय स्टेप काइंड ऑफ सिखाएगा कि इसको
यूज कैसे करना है. तो दिस वन इज वन काइंड ऑफ ट्यूटोरियल. आप ये सब कुछ पढ़ सकते हो आपके स्पेयर टाइम में, बट बेसिकली ये आपको बताएगा कि इसे यूज कैसे करना है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले वो बोल रहा है उसे इम्पोर्ट करो टी के इंटर एज टी के. उसको इम्पोर्ट करने के बाद आप एक विंडो बनाओ यूजिंग अ फंक्शन टी के इन साइड दैट मॉड्यूल. ठीक है, तो बिफोर आई गो इन टू द होल कैलकुलेटर लॉजिक, एक्चुअली लेट्स ट्राई सम ऑफ दैट. लेट्स ट्राई सिंपल यू है. लेट्स ट्राई टू फॉलो दैट ट्यूटोरियल. ठीक है, मैंने साइड बाय साइड ले लिया ताकि हम साइड बाय साइड उसका एक एक स्टेप देख के उसमें यूज कर पाए. ठीक है, तो इम्पोर्ट टी के इंटर एस टी के. अब अगेन आप अलग अलग ट्यूटोरियल देखोगे तो उसमें आपको अलग अलग मेथड्स ऑफ इम्पोर्ट दिखेंगे. ठीक है, मैंने जब आपको एग्जांपल दिखाया था मेरा, उसमें मैंने सारे के सारे फंक्शंस एक्चुअली इम्पोर्ट कर लिए थे यूजिंग फ्रॉम. लेकिन इसमें इन्होंने दूसरी मेथड यूज की है, इन्होंने एलियस वाली मेथड यूज की है. तो डोंट गेट काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड. आपको ये काफी सारी मेथड दिखेगी इम्पोर्ट करने की, दे आर ऑल द सेम. आपकी स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग और आपको क्या क्या सूटेबल लगता है उस सिचुएशन में, उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो. तो लेट्स ट्राई टू फॉलो द सेम थिंग. इट्स विंडो इक्वल्स टी के डॉट टी के. ये क्या कर रहा है एक्चुअली, वेरी सिंपल राइट. इम्पोर्ट किया एक मॉड्यूल, उस मॉड्यूल में से एक फंक्शन कॉल किया. बट दिस फंक्शन इज एक्चुअली वेरी पावरफुल. ये फंक्शन क्या करेगा आपके लिए, एक विंडो क्रिएट करेगा. ठीक है, अब इस विंडो में ये विंडो तो उसने क्रिएट किया, लेकिन अब ये विंडो मैंने जब रन किया तो डिस्प्ले नहीं हुई. डिस्प्ले क्यों नहीं हुई, क्योंकि इस विंडो को हमें एक्चुअली शो करना है एट सम पॉइंट. तो उसके लिए विंडो में एक फंक्शन है कॉल्ड मेन लूप राइट. तो आपको दिखाएगा मेन लूप. जब मैं ये कॉल करता हूं तो मेरी विंडो यहाँ पे अपियर हो जाएगी. अब जैसे नॉर्मल विंडोज में होता है, इस विंडो को मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ. लेकिन ये सब आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना. आपने क्या किया, सिर्फ एक ही चीज की, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, उस मॉड्यूल में से एक फंक्शन कॉल किया विंडो क्रिएट करने के लिए, और उस विंडो को आपने लॉन्च कर दिया यूजिंग मेन लूप. दैट्स ऑल, है ना. नाउ ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, ये सब मैं ये मुझे एक्चुअली मैं यूआई का ट्यूटोरियल देना देने का मेरा यहाँ पे एम नहीं है राइट. आप खुद से जाके ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल पढ़ के उसमें कैसे विंडो, कैसे बटन्स, कैसे ये लेबल्स, ये सब बनाने हैं वो आप सीख सकते हैं. मेन मेरा मोट एम ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि पाइथन इज नॉट जस्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जस्ट द बिगिनिंग. आपको वो सीखना बहुत जरूरी है, बट साथ साथ में आपको ये सीखना जरूरी है कि जो भी ऑलरेडी लोगों ने मॉड्यूल्स बना रखे हैं, खूब सारे हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ मॉड्यूल्स डिफरेंट पर्पस के लिए लोगों ने ऑलरेडी बना के रखे हैं, उस मॉड्यूल्स को आपको यूज करके आपके प्रोग्राम कैसे बनाने हैं राइट. वो थोड़ा सा इंटरनलाइज करना है ना. सिंपल तीन लाइन में मैंने एक विंडो बनाई है. लेट्स एक्चुअली डू वन मोर. लेट्स डू दिस ग्रीटिंग और लेट्स डू बटन.
अगेन इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये सब पता हो, राइट? बिकॉज जैसे मैंने अभी किया, बटन मैंने जब बनाने की कोशिश की, इट डिड नॉट वर्क. बट कोई बात नहीं, राइट? बिकॉज ये फंक्शंस आपने नहीं लिखे, आपको देर इज नो वे यू विल नो. दैट्स वेयर द डॉक्यूमेंटेशन कम्स इन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, टू लर्न हाउ टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन और उसे यूज कैसे करना है आप अपने खुद के प्रोग्राम में, वो बहुत जरूरी है. तो ये हो गया एक बटन जिसको मैं क्लिक कर सकता हूँ, राइट? क्लिक करने के बाद कुछ एक्शन कर सकते हैं. अभी मैंने कोई एक्शन लिखा नहीं है, बट क्लिक करने के बाद हम कुछ एक्शन कर सकते हैं, एंड सो ऑन. और आप देखोगे ये सब मैंने क्या, कुछ 10-15 लाइन में एक विंडो बनाई, उसका बटन यूज किया, बटन ऐड किया, क्लिक किया, एंड सो ऑन. अगर ये सब आप अगर खुद से लिखने की कोशिश करते हो ना, हजारों हजारों लाइंस लग जाएगी, क्योंकि आपको एक एक विंडो के ये एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे, बटन को ड्रॉ करना पड़ेगा, ये टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा. एक्चुअली दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क, और जनरली ये लोग अभी नहीं करते, राइट? व्हाई री इन्वेंट द व्हील, कहते हैं ना लोग. कोई जरूरत नहीं है आपको ये सब एक एक चीज करने की. लोगों ने काफी सारे ऐसे मॉड्यूल्स बना रखे हैं एक्सटर्नली जो आप खुद से जाके यूज कर सकते हो. इसलिए वो सीखना बहुत जरूरी है ताकि आपके जो प्रोग्राम्स है ऐसे सिंपल हो जाएंगे, ठीक है ना? तो मैंने, जब आप ये कैलकुलेटर यूआई देखोगे तो आपको अब ये थोड़ा समझने में आ जाएगा, ठीक है? हमने क्या किया, मॉड्यूल इंपोर्ट किया, उस मॉड्यूल को फिर मैंने यूज किया, ठीक है? तो ठीक है, मतलब मैंने एक विंडो बनाई. एंट्री मतलब एक्चुअली जो टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है उसको ये लोग कहते हैं एंट्री इन पाइथन, राइट? तो ये एक लिस्ट हो गई. आप क्या क्या बना सकते हो, आप लेबल बना सकते हो, बटन बना सकते हो, एंट्री बना सकते हो लाइक दिस, टेक्स्ट, फ्रेम, ये सब चीजें आप यूआई में बना सकते हो. तो ये सारे फंक्शंस मैंने यूज करके बेसिकली ये पूरा का पूरा यूआई बनाया है. तो व्हाट आई विल डू इज शेयर दिस प्रोग्राम विथ यू, और फिर आप क्या करो, आप इस प्रोग्राम को रीड करके समझने की कोशिश करो कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है. आप डॉक्यूमेंटेशन देखो, उसके साथ साथ उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, और फिर आप समझ सकते हो कि डॉक्यूमेंटेशन देख के, प्रोग्राम देख के, कि उस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो आपके अभी बेसिकली ध्यान में आ रहा होगा कि ये जो आप बड़े बड़े प्रोग्राम देख रहे हो, जैसे ये यूआई है, ये एडिटर है, या फिर ये ब्राउजर है, राइट? ऑल ऑफ दीज आर प्रोग्राम्स, जैसे हमने सिंपल प्रोग्राम्स देखे है ना, वैसे ऑल ऑफ दीज आर कलेक्शन ऑफ ऑल दोस सिंपल प्रोग्राम्स. इट्स नथिंग मोर. अगर आप ये सब मॉड्यूल्स वगैरह यूज करके ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स ही बना सकते हो, बट ऑब्वियसली दीज आर ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स. 10-15 मिनट में ये नहीं बनते है, इसके लिए बड़े बड़े टीम्स होते हैं, सब साथ में मिलके इस प्रोग्राम को बनाते हैं, राइट? तो बट दे ऑल स्टार्ट विथ समथिंग लाइक दिस. दे ऑल स्टार्ट विथ यूजिंग सम मॉड्यूल्स, दे ऑल स्टार्ट विथ सिंपल फाइल, सिंपल मॉड्यूल, सिंपल पैकेजेस, और फिर ये सब मिल मिल के ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स फिर बनाए जाते हैं. गेम्स बनाना है, वेरी सिंपल. यू स्टार्ट वेरी समथिंग लाइक दिस. डेटा साइंस, यू स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, राइट? तो दैट्स काइंड ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, ठीक है? मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. जैसे मैंने बताया था, ये टी के इंटर जो है, दिस इज अ बिल्ट इन मॉड्यूल इन पाइथन. तो मुझे डायरेक्टली मैं इसे इंपोर्ट करना, मतलब कर पाया, राइट? यूजिंग सम मेथड. लेकिन एक्चुअली इंटरनेट पे खूब सारे ऐसे मॉड्यूल्स बने हुए हैं. वन ऑफ अ वेरी फेमस मॉड्यूल्स इन पाइथन इज मैट प्लॉटलिब, जो लोग जनरली ऐसे ग्राफ्स और वो सब बनाने में
हेल्प करता है। ठीक है, डेटा साइंस जो कर रहे हैं या फिर सिंपल आप कुछ डेटा एनालिसिस कर रहे हो आपके प्रोजेक्ट के लिए समझ लो, या कोई स्कूल वर्क के लिए आपको ऐसे प्लॉट्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए ये बहुत सिंपल बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी और पैकेज इज काइंड ऑफ सिनोनिम। तो आपको कोई लोग आप बोलेंगे कि मैटलॉब इज अ वेरी पावरफुल पैकेज, कोई लोग बोलेंगे मैटलॉब इज अ वेरी पावरफुल लाइब्रेरी, तो डोंट वरी, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये एक एक लाइब्रेरी और पैकेज किसी ने बना के रखा है। बट अगर मैं इसे यूज करने की कोशिश करता हूँ डायरेक्टली, इसको अगर मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ वैसे डायरेक्टली मैटप्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, तो एक्चुअली एरर आएगा। अगर आप ट्राई करोगे तो आपको एरर आएगा। उसका रीजन क्या है कि ये जो लाइब्रेरी है इसके बारे में पाइथन को कुछ नहीं पता। ये पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी नहीं है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है उसके अंदर ये मॉड्यूल डिफाइंड नहीं है। ये लाइब्रेरी कहीं और डिफाइंड है, तो इसको इंपोर्ट करने से पहले इंस्टॉल करना जरूरी है। मतलब उसको अपने काइंड ऑफ पाइथन को उसका रेफरेंस देना जरूरी है। तो उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? उसको इंस्टॉल करने के लिए एक्चुअली जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो ना, पाइथन के साथ साथ आप यहाँ देखो, ये टर्मिनल में मैं टाइप कर रहा हूँ, पाइथन के साथ साथ एक पैकेज मैनेजर इंस्टॉल हो जाता है जिसका नाम है पिप। और जब मुझे कोई एक्सटर्नल पैकेज यूज करना है तो मैं क्या करता हूँ, उसे इंस्टॉल करता हूँ यूजिंग दिस पैकेज मैनेजर, लिखता हूँ पिप इंस्टॉल और फिर उस पैकेज का नेम। तो लेट मी एक्चुअली स्टार्ट विद, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, मुझे एंड टू एंड दिखाने दो आपको। लेट्स ट्राई हियर, लेट्स ट्राई दिस सिंपल प्रोग्राम। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं लेकिन आप इसे समझने की भी कोशिश करो, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है। जब मैंने ये पाई प्लॉट, इसको रिमूव करता हूँ फॉलो, जब मैंने ये प्लॉट डॉट पीवाई रन करने की कोशिश की तो मुझे एक एरर आया। ठीक है, एरर क्या आया? मॉड्यूल नॉट फाउंड, नो मॉड्यूल नेम्ड मैट प्लॉट लिब। बट ये डॉक्यूमेंटेशन तो बोल रहा है इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट डॉट पाई प्लॉट, तो डॉक्यूमेंटेशन तो गलत नहीं होगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैंने कहा था, पाइथन को इस मॉड्यूल के बारे में एक्चुअली कुछ भी नहीं पता। तो हमें उसे इंस्टॉल करना जरूरी है। तो इंस्टॉल कैसे करते हैं? यूजिंग पिप, पिप इंस्टॉल। और जनरली पैकेज का नेम, जैसे हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, पैकेज का नेम डॉट मॉड्यूल का नेम, है ना? तो पैकेज का नेम जनरली ये होगा मैट प्लॉट लिब, जो फर्स्ट चीज हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। तो लेट्स इंस्टॉल दैट मैट प्लॉट लिब। जब मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ तो वो बोलेगा इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेज मैटप्लॉटलिब। ठीक है, वो हो गया इंस्टॉल। अब जाके मैं इसे अगर रन करता हूं, तो कोई एरर नहीं आया। और इनफैक्ट ये मेरा सुंदर सा प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ हो गया, है ना? कितने लाइन का प्रोग्राम है? एक दो और तीन लाइन का प्रोग्राम। अगर आपको ये अपने हाथ से बनाना होता ना, तो अगेन 100 से ज्यादा 1000 लाइन लग जाए, राइट? और ये कितना सिंपल है, आप जस्ट एक फंक्शन कॉल कर लो उस मॉड्यूल में से जो मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है,
एक एक्सिस या एक फिगर रिटर्न कर रहा है, और उससे मैं फिर प्लॉट कर रहा हूँ यूजिंग दिस पॉइंट्स, राइट? दिस इज एक्स एक्सिस 1 2 3 4, और दिस इज वाई एक्सिस 1 4 2 3, सिंपल है ना? तो देर आर मेनी मेनी हंड्रेड्स ऑफ मॉड्यूल्स लाइक दिस दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड. तो आपको बस सोचना है आपको क्या करना है, और आप वो जाके गूगल पे सर्च करोगे. जैसे आपको यूआई बनाना है तो आप गूगल पे जाके सर्च करो यूआई लाइब्रेरी फॉर पाइथन, तो आपको खूब सारे ऐसे लाइब्रेरीज आ जाएगी, और फिर उसमें से आपको जो सिंपल लगती है वो आप लाइब्रेरी जाके यूज कर सकते हो. वैसे ही आप सर्च कर सकते हो प्लॉट. हाँ जी सर, सुबोध, ये मैं पीआईपी इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब किया, तो सर रेड में लिख के आ रहा है द टर्म पीआईपी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेम ऑफ अ सीएमडीलेट फंक्शन स्क्रिप्ट फाइल और ऑपरेबल प्रोग्राम, चेक द स्पेलिंग नेम. हाँ, तो इसका इसका प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल में उसका पाथ ठीक से सेट नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली. तो मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ. एक्चुअली अगर आप स्क्रीन शेयर करोगे तो हम ये साथ में भी कर सकते हैं, बट द आइडिया इज के जो जो पिप है दैट इज अ प्रोग्राम, है ना? अब जब हम रन करते हैं, पिप रन करते हैं, तो जो कमांड लाइन है वो प्रोग्राम को कहीं पे सर्च करता है, एंड इट सर्चेस इन एनवायरमेंट वेरिएबल कॉल्ड पाथ. तो अब अगर आप इस टर्मिनल में हो तो आप टाइप कर सकते हो env colon path, तो आपको एक लिस्ट आएगी, उसमें अगर आपको दिखता है पाइथन, आपको दिखेगा पाइथन, और आपको साथ में दिखेगा ये पाइथन स्क्रिप्ट. अगर ये स्क्रिप्ट नहीं दिखता है तो वो पिप रन नहीं होगा. तो आपको उस पिप का पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल में उसको ऐड करना होगा. अभी आपको अगर करना है तो अभी हम कर सकते हैं, या फिर अगर आपको खुद से करना है तो दैट इज ऑल्सो ओके. ये अनएक्सपेक्टेड टोकन बोल रहा है पास, तो ये एनवायरमेंट आपने ये टाइप किया env colon path. यस सर. आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर, आप अगर स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो मैं बता सकता हूँ फिर इजीली, या फिर हम ये सेशन के बाद भी बैठ के बाद में करते सर. नो ठीक है, चलो. अरे एक तो मैं एक लिंक भी भेजता हूँ चैट में, ताकि आप इन पैरेलल इसको देख पाऊँ. ठीक है, नाउ गोइंग बैक, हमने क्या किया, इस पैकेज को इंस्टॉल किया, और फिर इस पैकेज को हमने यूज किया, है ना? और यूज करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, दोबारा उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, गूगल करेंगे, और फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, राइट? और डॉक्यूमेंटेशन में आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि इसे यूज कैसे करना है. और दे स्टार्ट जनरली, दे स्टार्ट विद सिंपल एग्जांपल्स, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जाता है. तो यू कैन डू, एक्चुअली दिस लाइब्रेरी इज वेरी पावरफुल.
इसके साथ आप काफी कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स भी बना सकते हैं। राइट, तो ये देखा आपने, हमने तो इससे पहले जो बनाया था सिंपल सा 2D ग्राफ था। राइट, अभी हम क्या है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल 3D ग्राफ जो मैं मूव कर सकता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ, उसको किसी भी एंगल से देख सकता हूँ। राइट, तो दिस इज ऑल अवेलेबल इन द पाइथन, सॉरी इन द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। और अगेन 20 लाइन का कोड है, राइट, नॉट मच, 20 लाइन में मैंने इतना सब कुछ कर लिया। बट अगर अगेन मेन चीज क्या है, इसमें इंपोर्ट किया मैंने और कुछ फंक्शन कॉल किए, np.sin, np.square root, np.linspace, दीज आर ऑल जस्ट फंक्शन कॉल्स, नथिंग एल्स। राइट, तो एब्स्ट्रैक्ट वे में समझना क्या जरूरी है कि मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज आर मेड अप ऑफ मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स आर मेड अप ऑफ फंक्शंस, और आप उस पैकेज या लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद, मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद उस फंक्शंस को यूज कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अब उस फंक्शंस का मतलब क्या है, वो फंक्शन करता क्या है, ये सब भी समझना जरूरी है। तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंटेशन देखना जरूरी है, और डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते कैसे है, समझना कैसे है, वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे आता जाएगा। बट जो भी हमने अभी तक कंसेप्ट देखे है उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, है ना, इसमें आपको कुछ भी नया दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं है ना, इंपोर्ट, डिफाइन किया फंक्शन, कॉल किया फंक्शन, और कुछ फंक्शन कॉल करके फाइनली शो किया। राइट, दैट्स ऑल, नथिंग न्यू। अब ऑब्वियसली जब आप और कॉम्प्लेक्स लिखते जाओगे तो आपको फंक्शंस के अलावा लूप्स, कंडीशंस, वो सब भी यूज करना पड़ेगा, बट दैट्स प्रीटी मच इट, दैट्स ऑल देयर इज टू प्रोग्रामिंग इन पाइथन। और जैसे मैंने कैलकुलेटर का आपको कोड बताया था, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, है ना, इसमें 20 लाइन यहाँ और एक यहाँ पे UI यूज करने के लिए थोड़ा सा कोड, लॉजिक के लिए थोड़ा सा कोड, और ये सब का कलेक्शन बनने के बाद आपको एक पूरा का पूरा प्रोग्राम आ जाएगा। राइट, सो आई डोंट नो इफ, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। ठीक है, मॉड्यूल्स और पैकेजेस या तो आप खुद डिफाइन कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया, या फिर मॉड्यूल्स और पैकेजेस आप एक्सटर्नल किसी ने जो बनाया है वो यूज कर सकते हो, या फिर जो पाइथन के बिल्ट इन है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए अगेन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन समझना जरूरी है, बट इवेंचुअली दिस इज ऑल ऑल देयर इज टू पाइथन। आई थिंक आज के लिए कंसेप्चुअली दैट्स ऑल, और कुछ नया नहीं है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, तो आई कैन रिवाइज सम थिंग्स। अगर कुछ डाउट्स नहीं है तो वी कैन गो थ्रू दिस एग्जांपल। एक छोटा सा अपना मॉड्यूल बना के ट्राई कर सकते हैं, नॉट द कैलकुलेटर वन, कैलकुलेटर थोड़ा मुश्किल है। मैं ये एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, ताकि आप जाके फिर डॉक्यूमेंटेशन देखे ये UI कैसे बनाया है वो आप सीख सकते हो। बट वी कैन स्टार्ट विथ सम सिंपल एग्जाम्पल। लेट्स एक्चुअली डू दैट, इंटरेस्ट वाला जो अपने प्रोग्राम किया था ना, लेट्स डू दिस यूजिंग मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फोल्डर नेम फॉर आवर प्रोग्राम, दिस इज द हाई लेवल प्रोग्राम फोल्डर नेम। ठीक है,
उसके बाद सबसे पहले एक फाइल बनाई जो होगा हमारा एंट्री पॉइंट, ठीक है। उसके बाद लेट्स क्रिएट, अगेन मैं ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ पैकेज और मॉड्यूल, बट हर बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ मॉड्यूल लिखना है, पैकेज नहीं लिखना है, तो दैट इज ऑल्सो ओके अगर छोटा सा प्रोग्राम है, बट लेट्स ट्राई हियर विद विद बोथ। इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ठीक है। अब इसके अंदर ये हो गया पैकेज। देर इज वन कंसेप्ट जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, बट ये हो गया पैकेज। पैकेज के अंदर लेट्स क्रिएट टू मॉड्यूल्स, वन फॉर सिंपल इंटरेस्ट, अनदर फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, जस्ट सिंपली ये फंक्शंस को मैं कॉपी करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने डाल दिया इधर, फिर आ गया सिंपल इंटरेस्ट, आ गया इधर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक मॉड्यूल डिफाइन किया सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें एक फंक्शन है अगेन कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, और फिर एक्चुअली इसका मैं अभी नाम चेंज कर सकता हूँ, लेट्स जस्ट कॉल इट इंटरेस्ट। रीजन मैं बताऊंगा, दोनों फंक्शंस का नाम एक्चुअली इंटरेस्ट है नाउ, बट ये दोनों एक्चुअली अपने अपने मॉड्यूल के अंदर है ना। तो मुझे पता है जब ये इंटरेस्ट मैं कॉल कर रहा हूं फ्रॉम दिस मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल का नाम सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट फंक्शन क्या करेगा, लॉजिकली मुझे पता चल जाएगा राइट कि ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। वैसे ही अगर मैं इंटरेस्ट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ इन अ मॉड्यूल कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो लॉजिकली मैं बोल सकता हूँ कि दिस इंटरेस्ट फंक्शन विल एक्चुअली रिटर्न मी कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो नाउ इट बिकम्स मोर क्लियर। और जब मैं ये मॉड्यूल डिफाइन कर रहा हूँ तो मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये किस तरह का मॉड्यूल है, या फिर और कोई मॉड्यूल कोई और डिफाइन कर रहा है सेम नाम से, बिकॉज दिस ऑल्सो गिव्स मी आइसोलेशन राइट, क्योंकि दोनों का नाम तो सेम है, लेकिन हमने कहा था कि फंक्शन का नेम यूनिक होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए एक मॉड्यूल के अंदर राइट। तो दो मॉड्यूल में अगर सेम नेम है तो कोई बात नहीं राइट, तो वो एक समझना जरूरी है, ठीक है। अब मेन के अंदर मुझे वो दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट इंटरेस्ट कैलकुलेटर, वो हो गया पैकेज का नेम है ना, डॉट सिंपल इंटरेस्ट एज लेट्स से SI, मैंने एलियस कर दिया, सेम थिंग इंपोर्ट कैलकुलेटर डॉट कंपाउंड इंटरेस्ट एज CI, ठीक है। और जो मेरा एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट में मैं उसमें भी फंक्शंस डिफाइन कर सकता हूं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका हर फंक्शन एक सेपरेट मॉड्यूल या पैकेज में होना चाहिए। इन दिस केस ये जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल अपना अपना काम कर रहे हैं, एक मॉड्यूल सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, एक मॉड्यूल कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। अब उसे यूज कैसे करना है वो मेरा एंट्री पॉइंट डिसाइड कर सकता है राइट, बेस्ड ऑन इनपुट। तो उसको मैं अगर सेम मॉड्यूल या सेम फाइल के अंदर लिखता हूं तो इट्स नॉट एक्चुअली नॉट बैड, ठीक है ना। तो ये हो गया, अगर सेम फंक्शन एज बिफोर, इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप, आप या तो सिंपल इंटरेस्ट करोगे या तो कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे। लेट्स रन दिस, मोस्ट लाइकली एक एरर आएगा बट लेट्स रन दिस।
ओ हमने एक्चुअली नाम चेंज कर दिया था इस कारण, दोनों का नाम है इंटरेस्ट। सो 100 रुपीज से स्टार्ट किया, 5% इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट इज 25 रुपीज। अगर सेम चीज मैं करता हूँ 100, इंटरेस्ट रेट 5 फॉर 5 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आ गया 27 रुपीज। राइट, तो इसमें क्या हो रहा है? राइट, हमने दो हमने एक पैकेज डिफाइन किया इंटरेस्ट कैलकुलेटर। उस पैकेज के अंदर हमने दो मॉड्यूल्स डिफाइन किए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। उन दोनों मॉड्यूल्स को मैंने इंपोर्ट किया। राइट, इंपोर्ट करने के बाद मैंने एक्चुअली एक और फंक्शन डिफाइन किया जो उस फंक्शन जो इंपोर्ट किए हैं उन फंक्शंस को कॉल कर रहा है। राइट, तो दिस मेक्स द प्रोग्राम सो क्लीन, है ना? इस अगर आप सिर्फ मेन डॉट पीवाई में देखोगे तो इट्स वेरी क्लियर, एक चीज कर रहा है ये सिर्फ। एक चीज क्या कर, वेल इस केस में दो कर रहा है, बट ये फंक्शन एक चीज कर रहा है। वो कर रहा है इनपुट ले रहा है यूजर से, इनपुट लेने के बाद में इंटरेस्ट फंक्शन में अगेन डिपेंडिंग ऑन द इनपुट वो या तो सिंपल या तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कॉल कर रहा है। और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट फिर हमने अलग से डिफाइन किया है, और हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट कर कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाए, या फिर आपको उसमें कुछ और पैरामीटर्स या कुछ और कैलकुलेशंस करने हो, तो आपको इस फाइल को छेड़ने की अभी जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। राइट, दिस फाइल ओनली डज वन थिंग, इट कॉल्स दोज मॉड्यूल्स एंड दोज फंक्शंस। लेकिन अगर मुझे अभी कुछ चेंज करना है तो मैं यहां जाके चेंज कर सकता हूँ विदाउट इवन टचिंग द मेन फाइल, है ना? तो दिस गिव्स मी काइंड ऑफ आइसोलेशन, दिस गिव्स मी ऑर्गेनाइजेशन, दिस गिव्स मी काइंड ऑफ कोड शेयरिंग। अगर अभी आपको किसी के साथ ये पूरा का पूरा कैलकुलेटर मॉड्यूल शेयर करना है तो आप या तो ये फोल्डर उसके साथ शेयर कर सकते हो, राइट, और फिर वो अपना खुद का मेन प्रोग्राम लिख सकता है, या फिर देर आर वेज इन विच आप जैसे पिप इंस्टॉल हमने किया वैसे आप कर सकते हो, है ना? तो दैट हेल्प्स अस काइंड ऑफ शेयर कोड ऑल्सो वेरी नाइसली। तो आई होप कि आपके मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, नॉट जस्ट के आप इसे डिफाइन इस तरह कर सकते हो, इस तरह यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट साथ साथ ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये क्यों करना है। राइट, एक फाइल में सारा का सारा प्रोग्राम तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन दैट बिकम्स रियली रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड, रियली रियली हार्ड टू मैनेज। तो ये मॉड्यूल्स, पैकेजेस, ये सब का यूज जब आप बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप जब छोटे प्रोग्राम्स पे लिख रहे हो तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ दिस, ताकि जब आप किसी के साथ या किसी बड़े प्रोग्राम लिख रहे हो या फिर अपना ऐप बना रहे हो तो आप नेचुरली फिर ये सब आपने अपने ऐप में यूज करना फिर शुरू कर लोगे। छोटे प्रोग्राम्स में इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये धीरे 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 आपको काइंड ऑफ ध्यान में आना चाहिए कि हम यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट वॉज वन सिंपल एग्जाम्पल, और मैं आपके साथ ये सारा का सारा शेयर करूंगा ऑब्वियसली, ताकि आप दोबारा जाके इसको रिवाइज कर पाओ। लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है तो मैं वो ऑनलाइन कुछ देर के लिए, अगर आपको सेटअप करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, बट आई थिंक फॉर टुडे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस डाउट्स नहीं है तो आई थिंक दिस इज अ लॉट टू अंडरस्टैंड। तो आप इसको थोड़ा सा टाइम देके ग्रास्प करो, थोड़ा सा टाइम देके समझने की कोशिश करो, और आई थिंक वील कॉल इट अ डे फॉर टुडे।